बच्चों स्टार्ट करते हैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने स्टार्ट किए थे बेटा, और 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके इसके। तो 31st देखते हैं। देखो, राइट रेंज ऑफ वन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स अदर देन द प्रिंसिपल ब्रांच, यानी कि साइन इनवर्स की जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच से अलग कोई जो रेंज है वो बतानी है आपने, ठीक है ना। तो ये तो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है भाई बच्चों, और कोई अगर आपने ब्रांच निकालनी है इसके अलावा तो आपने क्या करना है, तो एक पाई इसमें ऐड कर देते हैं। पाई इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई टू, और पाई इसमें ऐड कर देते ये आ जाएगा 3π/2। एक ब्रांच आ गई अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। और ब्रांच अगर निकालनी है तो ऐसा ही करो आप, पाई इसमें ऐड कर दो, पाई इसमें एक और आ जाएगी, फिर जो है उसमें पाई पाई ऐड करेंगे तीसरी आ जाएगी, ठीक। ऐसे और भी निकाल सकते हो, पाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, पाई इसमें से और भी आ जाएगी, यानी कि कितनी भी ब्रांच बता सकते हो आप साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा। नेक्स्ट बच्चों, राइट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ सेकेंड इनवर्स डिफाइंड ऑन द डोमेन आर एक्सक्लूडिंग -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो बेटा सेकेंड इनवर्स की आपने डोमेन बतानी, तो सेकेंड इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच बतानी, बल्कि तो प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों कोस की होती है 0 से π क्लोज इंटरवल, और भाई सेकेंड इनवर्स में क्या है π/2 एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड π/2 क्या होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट बेटा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3। तो भाई सबसे पहले तो साइन इनवर्स -√3 जो π/2 है जो, इसका माइनस बार लेते हैं। देखो यहाँ पर फार्मूला यूज किया हमने, साइन इनवर्स -a = -sin⁡a, तो ये माइनस बार ले दिया हमने, और यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 60 की वैल्यू होती है ये साइन π/3। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, रीजन जो π/3 है ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2, तो प्रिंसिपल ब्रांच में आता है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका -π/3, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, 34th, डिटरमाइन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। तो कोट इनवर्स -1/√3 जो है बेटा, सबसे पहले तो इसका फार्मूला लगाते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। अब 1/√3 आप जानते हैं कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कोट 60 लिखेंगे इसको, यानी कि कोट π/3, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3, ठीक है ना। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल तभी होगा बच्चों जब π/3 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 to π ओपन इंटरवल, 0 to π यानी कि 0 से 180 डिग्री ओपन इंटरवल। तो π/3 यानी कि 60 तो इसके बीच में लाई करेगा, दैट वाई कोट और कोट इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। नेक्स्ट है 35th, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 2। कोसेकेंट इनवर्स 2, जैसा कि आप जानते हो कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाएगी 2। तो कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रीजन क्या है उसके पीछे, π/3 जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। कोस ऑफ, आप जानते हो बेटा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, और कोस π/2 क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। नेक्स्ट है 37th, फाइंड एक्स इफ टेन इनवर्स 4 प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स 4 प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है π/2, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 4 अगर इससे कंपेयर करें तो हम।
नेक्स्ट है भाई बच्चों 37th था ये, 38 देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई 5। तो ऐसा बेटा कि 4 पाई बाई 5 जो होता है वो होता है 36 इंटू 4 यानी कि 144, जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर निकल गया। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर अगर हम इसको आए तो इसको पाई में ब्रेक कर देते हैं, पाई माइनस पाई बाई 5, ठीक है ना। और साइन 180 माइनस थीटा, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 5, ठीक है ना। रीजन है कैंसिल होने का, पाई बाई 5 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन टू पाई बाई 3, टेन इनवर्स टेंजेंट 2π/3। तो बेटा 2π/3 है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर निकल गए आप जानते हैं, तो इसको इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आएंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा आपको, ये तभी 2π/3 होगा देखो। और ऐसा करने से तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या हो गया माइनस 10 थीटा। अब ये माइनस का साइन बाहर निकलेगा या अंदर भी ले जा सकते हैं आप, टेन इनवर्स 10π/3, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्या है उसके पीछे, पाई बाई 3 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, जो कि होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है बच्चों वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 5π/3, लास्ट है ये इसका यानी के 48th क्वेश्चन है ये इसका, कोस इनवर्स कोस 5π/3। तो इसको ब्रेक करना भाई हमने, कोस ऑफ 2π/π/3 में ब्रेक कर दिया हमने, और कोस 2π/थीटा क्या होता है कोस थीटा, ठीक है ना। और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है बच्चों। 41st क्वेश्चन है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 सेकंड इनवर्स माइनस 2। तो भाई रूट 3 की जगह आपने लिखना है टेंजेंट पाई बाई 3, ठीक है ना। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, और सेकंड इनवर्स माइनस 2 जो है उसको हमने लिखना है पाई माइनस सेकंड इनवर्स 2। ये फार्मूला होता है बेटा, आप जानते हो अच्छे ढंग से इसको, ठीक है ना। तो भाई 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रीजन ये है कि पाई बाई 3 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है ये, 10 इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ये है, तो पाई बाई 3 इसके बीच में लाई करता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा, ये प्लस सेकंड इनवर्स, जैसा कि आप जानते हो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेकंड 60 की हो जाएगी 2, तो सेकंड से सेकंड इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। रीजन ये है कि जो ये एंगल है ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ये प्रिंसिपल ब्रांच है सेकंड इनवर्स एक्स की। तो भाई ये इसे कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि ये हो गया 2π/3 माइनस पाई दैट इज माइनस π/3, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 42nd, एवेल्युएट टेन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो माइनस इसका बाहर ले लेता हूं बेटा मैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। टेन इनवर्स 1 जो है 1 की जगह आपने लिखना है टेंजेंट पाई बाई 4, और माइनस साइन इनवर्स एज इट इज, और 1/2 की जगह लिखना आपने साइन 60 डिग्री साइन 30 सॉरी पाई बाई 6। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, रीजन ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है में है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल।
ये 45 डिग्री है बेटा और ये 30 डिग्री है, तो 15 डिग्री आ जाएगा। देखो एलसीएम 12 हो गया, ये हो गया 3π - 2π यानी कि पाई, पाई बाई 12, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई 45th, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3 और प्लस टेन इनवर्स टेंजेंट 3π/4। तो बेटा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, रीजन ये जो है 120 डिग्री ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर है, तो इसको ब्रेक करेंगे π - π/3 में, ठीक है ना। और ये भी कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ये भी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर ही है, तो इसको ब्रेक करेंगे π - π/4 में। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और भाई टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा, नेगेटिव टेंजेंट थीटा, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, या माइनस के साइन को अंदर ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि पाई बाई थ्री जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, जो कि होती है -90 से +90 क्लोज इंटरवल। ये माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हैं आप, ये एंगल में ले जा सकते हैं, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रीजन पाई बाई फोर जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर, ठीक है ना। और एलसीएम आ गया यहाँ पर 12, यहाँ पर आ जाएगा 4π - 3π यानी कि क्या आ जाएगा π/12, ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट है भाई बच्चों ये हो गया बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन -1/2, ये रह गया बच्चों बीच में भाई 43rd रह गया बेटा, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कोस इनवर्स 1 - 1/2। देखो एंगल कुछ भी हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, ठीक है ना, एंगल चाहे कुछ भी हो बेटा। निकालते हैं इसको, देखो उस तरीके से निकाल देते हैं, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और ये आ जाएगा π - cos inverse 1/2। जैसा कि आप जानते हो 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू π/6 प्लस पाई है यहाँ पर माइनस कोस इनवर्स, और 1/2 होती है बच्चों कोस 60 डिग्री की वैल्यू π/3, तो ये इसे कैंसिल हो गया, -π/6 -π/3 और लास्ट में प्लस पाई लिख देता हूँ, एलसीएम आ जाएगा 6 - π - 2π और +6π, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा -3π + 6π यानी कि 3π/6 और आंसर सेम टू सेम π/2। मैंने बोला आपको कि एंगल कुछ भी हो, साइन इनवर्स एक्स एंगल नहीं बेटा, ये साइन ऑफ वैल्यू, ये कुछ भी हो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ऑलवेज क्या होता है π/2। शायद ये भी बच गया बीच में, देखो कोसिकेंड से कोसिकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा भाई बच्चों, रीजन क्या, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बेटा, तो π/6 आ जाएगा। 44th क्वेश्चन है ये, और भाई टेन से टेन इनवर्स कैंसिल ये होगा, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो इसको आपने ब्रेक करना पड़ेगा टेन इनवर्स एज इट इज, इसको लिखना पड़ेगा टेंजेंट π - π/6 प्लस करना पड़ेगा बेटा, जब जाकर 7π/6 होगा ये, और टेंजेंट 180 प्लस थीटा, तो टेंजेंट थीटा ही होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, π/6 + π/6 ये हो जाएगा 2π/6 यानी कि π/3, ठीक है ना। तो 44th क्वेश्चन था ये, 45th करवा चुके हैं मैं, और 46th देखते हैं। टेन इनवर्स टेन माइनस सिक्स, सबसे पहले तो इसका माइनस यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, यहाँ आने का रीजन ये है कि टेंजेंट माइनस ए होता है माइनस टेंजेंट ए, ठीक है ना, और कोई कंपल्सन नहीं है बेटा कि माइनस को ऐसे बाहर निकालना आपने, यहाँ पर अंदर अंदर भी सोल्व हो जाता है ये। अब टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टेन सिक्स, यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है ना।
तो भाई अब ये जो रेडियन है, देखो मैंने बताया था कोई डिनोटेशन नहीं हो, अगर यहाँ पर मतलब यूनिट नहीं लगाई गई हो तो आपने उसको रेडियन में समझना है। तो ये रेडियन है, 6 रेडियन। तो रेडियन को आपने चेंज करना है किसमें, डिग्री में, जो लगभग 57 डिग्री कुछ मिनट यानी कि 58 डिग्री मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। बेटा 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 8 जा 40, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, यानी कि लगभग 339 340 डिग्री हो गया जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो अब आपने इसको लेकर आना है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो टेन इनवर्स टेन 2π/6 कर दिया मैंने, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा वही बच्चों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन इनवर्स और टेंजेंट 2π/6, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुके हैं और आंसर आ जाएगा 2π/6, ठीक है ना। ये 46 था बेटा, 47 देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ टेन ऑफ 2 tan inverse 1/5। तो भाई 2 tan inverse 1/5 को आपने चेंज करना है टेन इनवर्स 2x/1 - x2, ठीक है ना। टेन 2 tan inverse का फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x2, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 2/5 ऑलरेडी है यहाँ पर, ये आ जाएगा 25/24, ये 12 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, इनके आंसर आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट बच्चों 50th, टेन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 5 √5/3, टेन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स √5/3। तो इसको मैं पुट कर लेता हूँ बच्चों, ए 1/2 कोस इनवर्स √5/3 को हमने ए पुट कर लिया, तो 1/2 राइट में जाएगा, ये आ जाएगा कोस इनवर्स √5/3, राइट में आ जाएगा 2a, ठीक है ना। और कोस लेंगे दोनों साइड तो √5/3 ये आ जाएगा कोस 2a के इक्वल। अब देखो आपने जिसको a पुट किया था, a पुट करने के बाद ये आ गया टेंजेंट a, यानी कि आपने पहले तो निकालनी थी वैल्यू टेंजेंट ऑफ 1/2 कोस इनवर्स √5/3 की, और अब निकालनी पड़ेगी बेटा टेंजेंट a की वैल्यू, ठीक है ना। तो टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है आपने और कोस टू ए की वैल्यू आपके पास है, तो टेंजेंट कोस टू ए को टेंजेंट टू ए, टेंजेंट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं √5/3, और ये हो जाएगा 1 - tan² a और 1 + tan² a। मेथड बहुत सारे हैं भाई, सीधी रूल लगा सकते हो यानी कि कंपोनेंट हो डिवाइडेंड हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा √5 + √5 tan² और राइट साइड में 3 - 3 tan² ठीक है ना। टेन स्केयर की टर्म लेफ्ट में लेकर आएंगे और टेन स्केयर कॉमन ले लें, ये यहाँ से √5 + 3 बच जाएगा और टेन स्केयर ऑलरेडी है यहाँ पर, और राइट में क्या है 3 - √5। तो भाई टेन स्केयर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 - √5/3 + √5, ठीक है ना। और रूट लेंगे तो उसके रूट लग जाएगा इसके ऊपर। अब चाहो तो इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करेंगे तो 3 - √5 3 - √5, तो अपर पार्ट में 3 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा और लोअर पार्ट में a² - b² यानी कि 9 - 5 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 48th, साइन ऑफ 2 sin inverse 0.8, 0.8 मीन्स 8/10, तो ये कैंसिल हो गया 4/5 आ गया। तो यहाँ पर 2 sin inverse का साइन इनवर्स में ही फार्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स 2x बाई
वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन यूनिट कैंसिल हो जाएगा बेटा, 8/5 ऑलरेडी है यहाँ पर, यह आ जाएगा 25/25 प्लस 16 यानी कि 41, ये 5 पर कैंसिल हो गया और 40/41 आंसर आ जाएगा। आया समझ? नेक्स्ट है भाई बच्चों, ये हो गया बेटा, ये आ गया 49th, साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स √5/3। तो इसको भी आपने क्या है, ए पुट कर लेना है, 1/2 कोस इनवर्स √5/3 को आपने पुट कर लेना है ए, ठीक है ना। 1/2 राइट में जाएगा, कोस इनवर्स √5/3 आ जाएगा 2a के इक्वल, ठीक है भाई, और कोस लेंगे दोनों साइड √5/3 आ जाएगा कोस 2a के इक्वल। अब क्या है कि आपने इसको तो ए पुट कर लिया, अब वैल्यू निकालनी है आपने साइन ए की, और वैल्यू आपके पास किसकी, कोस 2a की। तो कोस 2a का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें साइन आता हो, तो ऐसा फार्मूला होता है 1 - 2 sin² a, ठीक है ना। अब यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हो, तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, 2 sin² ए लेफ्ट में आ जाएगा और राइट में है आपके पास 1, और ये पहुंच जाएगा √5/3। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 sin² आ जाएगा 3 - √5/3, और 2 ये आएगा नीचे 6, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 - √5/√6। रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं। फिफ्टीथ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन ऐसा ही बेटा, टेन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स √5/3। तो इसको हम ए पुट करके चलेंगे, 1/2 कोस इनवर्स √5/3 को ए पुट करेंगे, और 1/2 राइट में चला आ जाएगा, कोस इनवर्स √5/3 ये आ जाएगा 2a के इक्वल, और √5/3 की वैल्यू आ जाएगी कोस 2a, ठीक है ना। अब कोस 2a की हेल्प से आपने टेंजेंट में इसको कन्वर्ट करना, देखो इसको a पुट करेंगे हम, तो भाई कोस 2a का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें वापस क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा 1 - tan² a और 1 + tan² a, और ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा, दोबारा आ गया इसमें, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 51st क्वेश्चन है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin inverse 1/2। तो भाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो इसको कोस इनवर्स कोस 60° है बेटा, ये 2 as it is, ये है साइन इनवर्स साइन 30° और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रीजन क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच में है 5/3, ठीक ऐसा ही साइन से साइन उस कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या है प्रिंसिपल ब्रांच में था, ये इसे कैंसिल हो गया, 5/3 + 5/3 क्या आ जाएगा 2π/3, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई 52, कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है ना। तो बेटा इसको ए पुट करेंगे, इसको बी पुट करेंगे, साइन इनवर्स इसको ए पुट किया और साइन इनवर्स 5/13 को पुट किया हमने बी, तो वही 3/5 आ जाएगा साइन ए की वैल्यू, और 5/13 हो जाएगी साइन बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों आपके पास कोस ए प्लस बी बन गया, ये ए बी पुट करने के बाद, और कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी,
ठीक है ना। तो कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, यहां से देखो कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। और ठीक ऐसे यहां से कोस बी की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कोस बी की वैल्यू आ जाएगी 12/13। ये आप अच्छे से जानते हो बेटा निकालने कैसे, ट्राइंगल बना सकते हो या फिर 169 - 25 = 144 का रूट 12 और लोअर पार्ट सेम होता है, 25 - 9 = 16, 16 का रूट 4 और लोअर पार्ट सेम होता है। तो कोस ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4/5, कोस बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 12/13 और साइन ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3/5 और साइन बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5/13, ठीक है ना। तो एलसीएम 65 आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 - 15 यानी कि 33/65। ठीक है बच्चों, ये 52nd क्वेश्चन था बेटा। 53 देखते हैं, तो 53 है बेटा, tan इनवर्स x दे रखे हैं, sin इनवर्स 1/2 के इक्वल आपने वैल्यू निकालनी है x की। तो tan इनवर्स x जो है वो है sin इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो आपकी मर्जी है भाई बच्चों, या तो इसकी वैल्यू रख लो यहाँ पर और tan को इस साइड ले आएंगे, या फिर इसको tan इनवर्स में चेंज कर सकते हो आप। तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ बेटा, इसकी वैल्यू है यहाँ पर sin 30° π/6। साइन से साइन कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स एक्स ये आ गया π/6 और टेंजेंट लेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट π/6 यानी कि टेंजेंट 30°। तो टेंजेंट 30° की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। नेक्स्ट है 54, प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7। तो भाई 2 sin का फॉर्म लगाएंगे, tan inverse में लगाएंगे बेटा tan inverse 2x/1 + x², ठीक है ना। तो सोल्व कर लेते हैं, 6/5 तो ये है ही, और ये आ जाएगा 25 + 9 यानी कि 34/25। राइट में बेटा, लेफ्ट में 2 sin x 3/5, राइट में 10 24/7। तो साइन यूनिट्स का 2 sin का फार्मूला भाई, ये 2 tan का लगा दिया बेटा मैंने गलती से, 2 sin का फार्मूला साइन यूनिट्स में ही लगेगा, साइन इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एज इट इज, और ये हो जाएगा 6/5, ये 16/25 यानी कि 4/5, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25। अब आपने साइन इनवर्स का टेन इनवर्स में फार्मूला लगाना है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 - x² 24 का स्क्वायर 576 और 625 का स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स 24/25 एज इट इज, और यहाँ पर 625 - 576 576 यानी कि 49 का स्क्वायर रूट 7 और नीचे अपर पार्ट में 25 हो जाएगा, लोअर पार्ट में 7, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है बेटा 55th, टेन ऑफ 2 tan inverse 1/2 + tan inverse 1/7। तो भाई 2 tan का टेन इनवर्स में फार्मूला यूज करेंगे, ये होता है टेन इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है ना, प्लस टेन इनवर्स 1/7 एज इट इज, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा टेंजेंट एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स
ये है बेटा 3/4, तो 4/3 हो जाएगा चेंज होकर, और 1/7 ऑलरेडी है यहाँ पर। अब टेन यूनिट्स एक्स प्लस टेन यूनिट्स वाई लगा देते हैं, टेन बार एच डीज रहेगा, टेन यूनिट्स एक्स प्लस वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये सोल वगैरह होकर ही आ जाएगा 28 प्लस 3, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देता हूँ, 21 माइनस 4, ठीक है ना, यानी कि 31 और नीचे आ जाएगा 17, 31/17। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा आप, नेक्स्ट है भाई बच्चों 56, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 और राइट में बेटा π/2, टेन इनवर्स x प्लस y लगा देते हैं, देखो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो बेटा कैंसिल वैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो 2 टेन इनवर्स 1 हो गया ये, और 1 की जगह आप देख सकते हो टेंजेंट π/4, और 10 से 10 यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा। रीजन ये है कि π/4 जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, तो आंसर आ गया आपका π/2, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों 57 क्वेश्चन, टेन इनवर्स कोस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, तो आपने करना क्या है, कोस को साइन में चेंज कर देना है, साइन π/2 माइनस एक्स करके, और साइन को कोस में चेंज कर देना आपने π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। टेन इनवर्स एज इट इज ये आ जाएगा 2 साइन, और एंगल का हाफ हो जाएगा π/4 माइनस x/2, कोस और एंगल का हाफ हो जाएगा π/4 माइनस x/2, और लोअर पार्ट में 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्केयर, और एंगल का हाफ यानी कि π/4 माइनस x/2, साइन से साइन कैंसिल हो गए, 2 से 2 कोस बाई साइन क्या हो जाएगा कोट। अब कोट को वापस 10 में चेंज कर देंगे हम, π/2 में से इसका एंगल माइनस करके माइनस π/4 और प्लस x/2, 10 से 10 यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, और भाई बच्चों ये बच जाएगा π/4 प्लस x/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, आया समझ। नेक्स्ट है 58, एवेलुएट करना बेटा, तो 10 से 10 यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा देखो, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में, और आंसर आ जाएगा π/3। उसके बाद ये जो 3π/5 दे रखे हैं यहाँ पर आपको, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये है साइन इनवर्स, इसको ब्रेक करेंगे हम 2π-π/, या फिर ब्रेक कर सकते हैं बेटा π-π/5 में, तो 4π/5 आ जाएगा, 2π/5 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। पाई माइनस ये आ जाएगा 5-2 यानी कि 3π/5, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 2π/5 आ जाएगा। अब 2π/5 कितना होता है 72 डिग्री, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, और ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 2π/5। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ब्रांच बतानी है आपने टेन इनवर्स एक्स की, जो कि होती है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो बेटा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर आना बेटा एग्जाम में। जैसा कि आप जानते हो 2020 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके, ठीक है ना, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करना मेरे साथ। ओके बेटा।